तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे ओला इलेक्ट्रिक ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है, तो चलिए अभी देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर देखोगे भी अनऑडिट जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हैं वो दी गई है और ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया है। ये करंट क्वार्टर है, ये प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर। अगर बात की जाए टोटल इनकम की तो अब की बार आप लोग देखो जो टोटल इनकम हुई है वो अभी 1718 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में जाती 1671 करोड़ की, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1279 करोड़ की, यानी कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके इनकम में जंप आया है। बट टोटल एक्सपेंस आप लोग देखोगे यानी जो कंपनी ने खर्चे किए हैं तो करंट क्वार्टर में कैसे रहे हैं 1849 करोड़ के, प्रीवियस में 1910 करोड़ के थे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1461 करोड़ के। तो एक्सपेंस क्वार्टर टू क्वार्टर कम है बट ईयर टू ईयर फिर से इंक्रीज हुए हैं, और अब की बार जो रिवेन्यू एक्सपेंस है तो भाई फिर कम है, मतलब कंपनी ने फिर से लॉस किया है। बट कितना लॉस है चलिए देख लेते हैं। अभी लॉस फॉर द क्वार्टर या फॉर द ईयर अगर मैं बात करूँ तो अब की बार 347 करोड़ का लॉस किया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 267 करोड़ से इंक्रीज हुआ है, और क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग देखोगे कम है, 416 करोड़ से 347 करोड़ पर आए हैं। इसके अलावा देखोगे भी इसके एक्सपेंस सॉरी अर्निंग पर शेयर जो हमें देखने को मिला भी लगभग 95 पैसे माइनस में, प्रीवियस में 1.14 रुपये माइनस में था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 71 पैसे माइनस में। तो रिजल्ट्स फिर ख़राब आए हैं अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देख सकते हो, और रिवेन्यू सेगमेंट से यहाँ से एक बार आप लोग वीडियो को पहुँच करके डिटेल में देख लेना भी किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। इसके अलावा ये नोट्स जरूर पढ़ना भी अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो। वैसे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल आपको पहले ही समझा दिया था कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी आगे के लिए इसके अंदर बना रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।